गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज़ सोमैथ एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब सो चलिए हम अपना जो रिवाइज विथ मी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं राइट एंड यस्टरडे देखिए कल यू पी एस सी ने प्रलिम्स की मार्कशीट को रिलीज़ कर दिया फॉर द आई एफ ओ एस कैंडिडेट एज वेल सो आप जाके देख सकते हैं राइट एंड दिस इज़ माई स्कोर राइट आई मिस द आई एफ ओ एस कट ऑफ बाय अ कपल ऑफ मार्क्स ठीक है एंड एटी नाइन पॉइंट फाइव सिक्स मेरा स्कोर आया है ठीक है एंड टुडे देखिए आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ वीडियो ऑन वाई ट्रिक्स फेल इन एग्जाम ठीक है राइट एंड दिस इज़ अ टेस्टमिनी टू द फैक्ट कि जो हम लोग ये रिवाइज वगैरह करते हैं यही सक्सेसफुल होता है भाई ठीक है बाकी एवरी जो आप देखते हो राइट right, वो बहुत आसान चीज़ें जो बेची जाती है वो हमेशा काम नहीं आती राइट आई एल मेक अ वीडियो ऑन दिस ठीक है सो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं राइट एंड प्लीज़ ट्रस्ट योर हार्ड वर्क ठीक है चलिए ऑन दिस नोट लेटर स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू द आपका आ, उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन ठीक है तब ये भी है उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन ये कब का है सो so, ये आपका ध्यान रखिएगा ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है ड्यूरिंग द चोलास ठीक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द चोलाज जिसके बारे में यहाँ पे बात करता है ठीक है लेट्स मूव है ठीक है लेट जस्ट बीच चेज ऑल राइट ठीक है ऑल राइट right, ठीक है ऑल ओके right, ठीक, okay, ठीक है अब अब, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी दैट फंक्शन अंदर द गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कब से कब तक फ्रॉम फिफ्टीन अगस्त 1947 टू 26 सिक्स जैन नाइनटीन एंड दिस वाज एज अ डोमिनियन ऑफ इंडिया ठीक है नाइन एंड ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन को हम फाइनली रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाते ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि 1947 से फिफ्टीअ तक के बीच में संविधान तो था नहीं तो हम कैसे फंक्शन कर रहे थे वी आर फंक्शनिंग बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव हेट एंड ट्वेंटी सिक्स जैन को फाइनली हम डोमिनियन से रिपब्लिक की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अब ये देखिए मेंस में ज़्यादा कोट करने का है कि हमारे देश में देखिए जो फूड सिक्योरिटी की बात चलती है ठीक है राइट है। तो हमारे देश में कहते हैं भाई मीथेन जो एग्रीकल्चर इमेशन से सबसे ज़्यादा निकलती है ठीक है ये हमारे लिए सही है क्यों सही है वाई फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक एस क्योंकि हमारे यहाँ ये सर्वाइवल इमिशन है अगर हम एग्रीकल्चर करना छोड़ देंगे तो भाई हाउ विल वी फीड द पॉपुलेशन ठीक है सो दीज आर नॉट लग्जरी अमिशन जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलती है ठीक है सो फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया मीथेन एमिशंस आर कंसिडर टू बी सर्वाइवल एमिशन ठीक है फ्रॉम एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ये सब अब मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन टू दिस राइट तो हमारे लिए तो ये एक ना जीने का वो है ठीक है सहारा ठीक है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मीथेन है डज इट लीड टू ग्राउंड लेवल ओजोन पल्यूशन यस इट डज लीड टू ग्राउंड लेवल ओजोन पल्यूशन ठीक है ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट माइको और जीए ये क्या है माइकॉर्जिए इज दिस थिंग तो ये ध्यान रखिएगा दिस इज़ अ सिम्बॉयटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स एंड द फंगी ठीक है तो फंगी का एंड रूट्स में ये जो सिम्बॉयटिक एसोसिएशन होता है इसको माइक हॉर्जिया कहते हैं ठीक है प्लीज़ रिमेंबर दिस ठीक है एंड इसकी वजह से क्या होता है जो रूट्स है दे आर एबल टू अब्जॉर्व न्यूट्रियट्स मोर एंड मोर ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा तो मैंने ट्रिक क्या बनाइए एम आर ठीक है रूट्स एंड फंगी ठीक है तो माइक कभी भी आ जाए ना एम तो याद रखें एम एफ एम एफ मतलब क्या है यहाँ पे एफ इज़ फॉर फंगी ठीक है देन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में ध्यान रखिएगा ठीक है इट्स अ स्टैटरी बॉडी अंडर द डब्ल्यू पी ए नाइनटीन सेवेंटी टू ठीक है और दो हजार दो के अमेंडमेंट से बनी है अब तो मुझे बता दो इसका जो चेयरमैन है वो कौन होता है सेकेंडली एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ठीक है राइट ये भी सेम एक्ट से बनी है बट दो हज़ार छः अमेंडमेंट में तो पहले ध्यान रखना दो हज़ार दो अमेंडमेंट एन बी डब्ल्यू एल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एन टी सी ए दो हजार छह अमेंडमेंट अमेंडमेंट दिक्कत है डिफरेंट है यह ध्यान रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पे पूछ लेगा वो ठीक है दो हजार दो दो हजार छ अब तुम मुझे बता दो क्या कि इसका चेयरमैन कौन है एन टी सी ए का भी चेयरमैन ठीक है ये बता दो ठीक है इतना तो तुम मुझे बता ही दोगे ठीक है दोनों का चेयरमैन आई वॉन्ट नेक्स्ट ध्यान रखिएगा ऑल डॉल्फिन आर वेल्स ऑल डॉल्फिन आर वेल्स बट उल्टा नहीं होता ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है तो डॉल्फिन पहले आता है डी डब्ल्यू ऐसे ध्यान रख लेना तो आप यहाँ पे ईजिली वे बना लोगे सेम चीज़ गोज फॉर मैमल्स सेम चीज़ गोज फॉर मैमल्स दैट ऑल डोल्फिन आर मैमल्स ऑल डोल्फिन आर मैमल्स ये भी आप ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है दिस इज इम्पॉर्टेंट ऐसे यार की नेक्स्ट देखो कुछ यहाँ पे ना कुछ पैसों एंड उसके पे क्या क्या फोटो छपी है पता होना चाहिए तो अब ऐसे याद रखो सन टन सन टन यानी टेन रुपीज़ पर सन टेम्पल है कोनार्क का ठीक है फिर रेड फोर्ट बहुत बड़ा है सबसे बड़ा यानी पाँच सौ का नोट है ठीक है थीके? राइट फिर सौ रानियाँ थी सौ रानियाँ मतलब सौ रानी मतलब सौ पे है रानी का भाव ठीक है राइट फिर उसके बाद हम पाँच हम पाँच आता था ना कि हम पाँच करके एक सीरियल आता था तो पाँच पाँच तो नहीं पचास हम पी है पचास के पे ठीक है राइट ये भी याद हो गया अब बचता है दो सौ एंड बीस रुपये का नोट ठीक है तो अगर आपको याद रखोगे सच 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 ई सच्ची सच्ची मैं बोल रहा हूँ ई ई तो सच इज़ फॉर दो सौ तो ई जो बचा एलोरा के विस्फा बीस ठीक है तो दो सौ एंड दो बीस रुपये पे क्या है दो सौ रुपये का मैं सच बोल रहा हूँ अब सच बोल रहा हूँ तो सांची और ई बोल रहा हूँ ई ई तो एलोरा याद हो गया ठीक है सन टन टेन रुपीज़ सन टेम्पल ठीक है पाँच सौ बहुत बड़ा है रेड फोर्ट बहुत बड़ा नोट है ठीक है सौ रानियाँ थी सौ रानियाँ तो आपका रानी का वाओ पचास हम पाँच तो याद हो गया एंड दो सौ रुपये का सच बोल रहा हूँ तो सच्ची ई ई तो बीस रुपये पर मैं इलोरा पे जा रहा हूँ ठीक है आई होप भाई ये सारे के सारे नोटों को मैंने आपको यहाँ पे याद करवा दिया चलिए आगे बढ़ते लेट्स मूव अहेड सो प्लीज नोट इंडिया डज नॉट शेयर इट्स मारे टाइम बाउंड्री विथ मॉरिशस मॉरिशस के साथ हम नहीं करते बट वेन इट कम्स टू इंडोनेशिया एंड मालदीव्स वी डू शेयर द बाउंड्री नेक्स्ट बात करते वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर मेरे भाई वो रोम में है प्लीज रिम्पर दैट ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है देन उन्नति के बारे में ध्यान रखिएगा उन्नति इज म इज फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ठीक है और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो यू सी यू सी उन्नति नॉर्थ ईस्ट यह ध्यान रखिएगा देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है ठीक है ये कौन निकालता है तो दिस इज बाय आई ठीक है एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है तो यू ठीक है ये तीनों देखो इंपॉर्टेंट है तीनों इंपॉर्टेंट है अब आपको मुझे बताना है दोस्त ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये कौन निकालता है ये बता दो मुझे ठीक है ये इतना तो बता दो ठीक है इनोवेशन वाला मैंने बता दिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बता दिया आई और ग्लोबल इक्वलिटी बता दिया ठीक है राइट ग्लोबल अब तुम तो मुझे यार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तो बना सकते हो ना इतना तो यार बता ही सकते हो ना देखो ठीक है राइट तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया देन नेक्स्ट बात करते हैं नेगीव डेजर्ट नेगीव डेजर्ट का एन आई एन आई इसराइल में ठीक है राइट देन मार्थन सेंट टेम्पल ये कश्मीर में सेवन ट्वेंटी फाइव में बना था ठीक तो काफ़ी पुराना है याद रखना ठीक है ऐसे पूछ सकता है कि है ना कि मार्टन सन टेम्पल पहले बना है क्नाक सन टेम्पल पहले बना ठीक है राइट तो ये चीज़ ये थी दिस यू शुड बी रिम्बरिंग दिस ठीक है राइट एंड इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद है जो मैंने आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग सॉन्ग तेरा याद है तो तेरह चौदह सेंचुरी में आया था सन टेम्पल ओडिशा ठीक है नारंगा देव्या कुछ ठीक है डायनेस्टी का था ठीक है जी से आपका ईस्टर्न गंगा था राइट right, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना ठीक है नंदी वर्मन नंदी करके कुछ था ना देख लेना राइट जस्ट चेक द नेम्स और सन टेम्पल का ठीक है किंग का नाम देख लेना एन से था वो ठीक है ठीक है देखो यही होता है बच्चे मुझे पूछते ना प्री में सर हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा भाई एग्जैक्ट तो याद ही नहीं करना बस तुम्हें इतना पता है एन से था वो और वो जी ईस्टर्न गंगा कुछ ना कुछ वो फेंकेंगे हाँ है ना तो आई विल मैच इट अप तो इवन दो मुझे नाम याद एग्जैक्ट नहीं है बट वहाँ मुझे फर्स्ट वर्ड और नरसिम्हा देवा इस तरीके से कुछ तो याद है ईस्टर्नगंगा इतना तो मैच कर लूंगा हाँ ना वो ऐसा तो नहीं पूछेगा ना कुछ इस टाइप का कि ममलापुरम या कुछ इस टाइप से पूछ देगा ठीक है राइट हर्षवर्धन या वो तो मुझे तो इतना पता ये तो बिल्कुल नहीं था ठीक है दैट इज़ वाई प्री ना अगर आपने सही से इफ़ यू हैव स्टडीड तो आप ये बता दोगे कि यार ए बी सी डी अगर ए नहीं पता सही आंसर नहीं है तो इतना पता है बी नहीं है सी नहीं है डी नहीं है ये अगर आप गारंटी दे दो दिस इज़ मोर देन इनफ टू गेट द राइट गोला गोला सही भर दोगे ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दयानंद सरस्वती के जी के बारे में तो प्लीज़ रिमेंबर इन्होंने क्या करा था इन्होंने आइडियल वर्शिप जो थी उनको आइडियल वर्शिप को रिजेक्ट किया था क्योंकि इनका मानना था कि ये भाई जो आपकी वैदिक टीचिंग्स है उससे डिफरेंशिएट होते हैं जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था ही एक्सेप्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ टीचिंग इंक्लूडिंग आइडियल वर्शिप इनका मानना था जो आपको करना है करो ठीक है राइट

लगातार लॉन्गेस्ट कंटीन्यूस किंग ठीक है जिसका रेन था ये मुझे आपको बताना है ठीक है राइट ये आपको मुझे बताना है फर्स्ट आपको मुझे उसका नेम भी बताना है एंड इफ़ यू कैनॉट टेल द नेम यू हैव टू टेल मी द डायनेस्टी चलो ये तो बता दो ठीक है राइट डायनेस्टी बता दो द लॉन्गेस्ट एवर लगातार कंटिन्यूस लंबी रेन वाला किंग इन इंडियन हिस्ट्री अब वो कोई भी डायनेस्टी से हो सकता है दिल्ली सल्तनत का भी हो सकता है मुगल का भी हो सकता है ठीक है तुम मुझे बताओ लॉन्गेस्ट रेन एक वो बंदा कौन था ठीक है ऑब्वियसली बात है नीड टू टेल मी ठीक है इस टाइप से देखो पूछा जाता है इस टाइप से पूछा जाता है मैं हिंट दे देता हूँ हिंट दे देता हूँ इफ यू आर लाइक उस बंदे का नाम उस बंदे का नाम ना ए से स्टार्ट होता है अब तुम मुझे बता दो इससे आगे नहीं बताऊंगा ठीक है और चलो एक और हिंट दे देता हूँ ए पे ही खत्म होता है ठीक है राइट अब कुछ बहुत सारे एन डैश है अब ये है अब तुम मुझे बता दो अब तुम मुझे बताओ ठीक है इतना मैंने आपको हिंट दे दिया देखो ठीक है अब आपको मुझे बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव हैड लेट्स मूव हेड यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में बात करते हैं सो प्लीज नोट इट दैट इट हैड ऑथोराइज्ड इट हैड ऑथोराइज ठीक है यहाँ पे द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया ठीक है टू इम्पोज द टैक्सेज ऑन पर्सन ठीक है तो यहाँ पे वन ऑफ द फर्स्ट जो इनकम टैक्स का आपको दिखता है वो कहाँ से आता है ठीक है वो एटीन के इस एक्ट से आता है ठीक है इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सन ठीक है पूछ लिया जाए तो यारगना देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपील होती है वो किसको होती है वो एन क्लैट नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल में जाती है ठीक है फिर क्या सर फंडामेंटल राइट्स लीगल कंपनीज़ को मिलता है जी हाँ वो लीगल कंपनीज़ को भी मिलता है प्लीज़ नोट ठीक है एंड आर्टिकल ट्वेंटी है जैसा आर्टिकल ट्वेंटी में आपका यहाँ पे क्या है देर इज़ अ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ठीक है और इसके अंदर आता है नो एक्सपेक्ट नो एक्सपोज फैक्टो लॉ ठीक है नो डबल जियो ठीक है देन उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो पूछा जा सकता है तीनों कौन से में आते हैं ठीक है दिस कम्स अंडर आर्टिकल ट्वेंटी देन पेमेंट्स बैंक ध्यान रखिएगा इट कैन नॉट लेंड ठीक है बट 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 पी सी एस पी सी एस सी आर आर एस एल आर दोनों में चलता है इनको ये फॉलो करने होते हैं ठीक है पी सी एस देन फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा नाइनटीन सेवेंटी एट में आया था एंड इसने जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंसेज उसको सब्सटीट्यूट करके आर्म डेबिलियन कर दिया गया था ठीक है ऑलराइट देन ये चीज़ ध्यान रखिएगा देर इज अ सेपरेट कमेटी ऑफ प्रिवलेजेस इन लोकसभा अलग से पंद्रह मेंबर की प्लस राज्यसभा अलग से दस मेंबर की ठीक है तो ये पूछा जा सकता है सेपरेट कमेटी है प्रिवलेजेस की ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है राइट ऑल राइट देन हम बात करते हैं आपका छः हज़ार रुपये मिलेंगे पर फार्मर पर फैमिली ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है राइट right, एंड uh, ये चीज़ ध्यान रखिएगा पी किसान का ये है ठीक है राइट right, एंड uh, अच्छा पर फार्मर फैमिली को मिलेंगे ठीक है नॉट हर के फार्मर ठीक है पर फार्मर फैमिली को दिए जाएंगे छः हज़ार ठीक है एंड यहाँ पर याद रखना इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स ऑफ लैंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ठीक है पी एम किसान जो थी ना आपकी में देन नेक्स्ट याद रखना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में तो डी फोर फाइव डी फोर फाइव मतलब क्या है फोर्थ फिफ्थ ऑफ द मेम्बर ऑफ द डी पी सी शुड बी इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है राइट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट ये ध्यान रखेगा एंड ये आपका जो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई है इससे आई है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है राइट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये चीज़ हमने आप बात कर ली ठीक है राइट ऑल राइट आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव हेड ठीक है गोवर्धन स्कीम के बारे में ध्यान रखिएगा गोवर्धन स्कीम जो आपकी आती है ठीक है दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ठीक है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के बारे में ध्यान रखिएगा दैन याद रखिएगा रशिया एंड यूएसए दे आर नॉट द मेम्बर्स ऑफ ओपेक ओपेक के मेंबर नहीं है रशिया यूएस बट ईरान है ठीक है अच्छा ओपेक आपका 1960 में बना था हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ठीक है बात कर लें देन ओपेक प्लस में रशिया है बिल्कुल है सर बिल्कुल है ठीक है राइट एंड देन उम्मीद इनिशिएटिव ये एक पुराना इनिशिएटिव आया था यू एम एम आई एंड दिस वॉज बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और इसका मकसद था टू टैकल जेनेटिक डिजीजेस ठीक है दिस वॉज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ठीक है ये चीज़ ध्यान कि बाद इंपॉर्टेंट है देन पूर्व मीमांसा के बारे में ध्यान रखिएगा पूर्व मीमांसा हु वॉज द फाउंडर जैन जैमिनी ठीक है founder, Gemini, उत्तर मीमांसा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांता तो इनको व्यास जी को क्रेडिट दिया जाता है ठीक है देन संगम एज में कुछ चीज़ें के बारे में ध्यान रखिएगा क्या लार्ज लैंड ओनर्स को वेला वेलार्स कहते थे ठीक है ऑर्डनरी प्लाउमैन को उजावार बोलते थे यूपी उजावार ठीक है राइट एंड लैंड लेस लेबर्स को कदिया सुर बोलते थे ठीक है राइट right? कदिया सुर ठीक है अभी से इन्हें कैसे या कद्दू इन्हें कद्दू मिलता था ठीक है मतलब कुछ नहीं मिलता था इन्हें ठीक है और स्लेव्स को अधिमाई बोलते थे ठीक है फिर से बता देता हूँ लार्ज लैंड ओनर ला 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 तो वे ला ला तो लाला ला। लार्ज लैंड ओनर क्या होंगे लाला होंगे लाला तो लाला कहाँ दिख रहा है आपको देखो चार वर्ड में लाला तो वे ला ला लार ठीक है याद हो गया ऑर्डनरी प्लाउमैन यूपी ऑर्डनरी यूपी उजावार यूपी ऑर्डनरी प्लाउमैन प्लाउमैन याद हो गया कदिया लैंडलेस कद्दू मिलता था याद हो गया अधिमाई अधिमाई स्लेव्स ठीक है राइट right, याद हो गया देखो ऐसे याद करना भाई याद कर लो वो चुपचाप याद कर लो और कुछ मत सोचो ठीक है बस रट डालो ठीक है टोल का पीएम रिफर्स टू द फाइव फोल्ड डिवीज़न ऑफ लैंड तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है राइट देन बार हेडेड गूज के बारे में समझते हैं ये क्या है दिस इज द दाइएस्ट फ्लाइंग बर्ड ठीक है विच फ्लाइज एट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फीट एंड दिस इज़ इन सेंट्रल चाइना मंगोलिया आपको यहाँ दिखेगा एंड इट इज़ लीस्ट कंसर्न ठीक है तो पूछा जा सकता है हाइएस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सी है बार हेडेड गूज ठीक है तो देन महायान यान या का महायान इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर व्हीकल ठीक है राइट एंड हीन यान इज कॉल्ड एज लेसर व्हीकल ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है महान अब ऐसी जगह जो लोग महान होते हैं वो ग्रेट होते हैं ठीक है राइट इस तरीके से आर को महान ग्रेट समझो याद हो गया ठीक है बर रट डालो भाई याद करना है देन गोल के बारे में ध्यान रखते हैं गो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड फेसबुक का एक इनिशिएटिव था एंड मकसद यही है कि ट्राइबल गर्ल्स को एम्पावर करेंगे सो दैट दे बिकम यंग लीडर एंड वही सारी चीज़ें ठीक है याद रखना देन हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान रखते हैं हर्षवर्धन की इट वॉज बेस्ड ऑन द सेम लाइन्स एज गुप्ता यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना था ठीक है एच फॉर हर्षा एच फॉर यून सांग तो यूनसांग आया था ठीक है एंड यहाँ पे टैक्सेशन वॉज लाइट ठीक है एंड यू विल फाइंड दट फोर्स्ड लेबर वॉज रेयर टैक्सेशन लाइट था फोर्स लेबर वॉज रेयर ठीक है बट 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 द क्रूअल पनिशमेंट ऑफ मौर्या इट कंटिन्यूड इन द हर्षाज टाइम ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड हर्षा के बारे में एक चीज़ बोली जाती है वन ऑफ द खास थिंग्स इसके अब वर्क में मिलता है दैट द इज अ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हर्षा एज एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस पब्लिक रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड कॉल्ड एज नीलो पिटू नीलो पिटू याद रख रहे हैं नीलो पिटू या नीलो पट्टू जो भी याद रखो ठीक है भाई ये ध्यान रखना नीलो नीलो इज द वर्ड नीलो इज द रिकॉर्ड रिकॉर्ड कीपिंग जो हर्ष के टाइम में होती थी नीलो पिटू ये याद रखना ठीक है राइट ये चीज़ ध्यान रखना एंड ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अमोघ वर्षा के बारे में बात करते हैं अमोघ वर्षा के बारे में ठीक है एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ जेनिज्मीक है एंड ही रोड कविराज मार्ग ठीक है राइट ठीक है द फर्स्ट पोएटिक वर्क इन कन्नडा ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है एंड देन यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट uh, थिंग चौलख्या के एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज ठीक है इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड ठीक है अनलाइक चोला एंड पालवास चोला एंड पालवा फिर भी डिसेंट्रलाइज थे बट चौलकिया वाले सेंट्रलाइज थे अब चौल चौल एंड चोला अब देखो मैं याद रखता हूँ आप लोग को देखते हो मुंबई वगैरह में या यू यू हर्ड दिस चौल चौल अब चौल में क्या होता है इस टाइप का होता है बहुत सारे लोग इस टाइप से रहते हैं महाराष्ट्र वगैरह में फाइव शायद देखा होगा मूवीज़ वगैरह में ना दिखाई जाता है वो तो चौल में क्या है सब सेंटर में तो क्या है चौल मतलब सेंट्रलाइज्ड ठीक है राइट एंड चोला एंड पालवा डी फिर खत्म ईजी हो गया याद हो गया ठीक है राइट तो चौलकिया में विलेज ऑटोनॉमी वॉज एबसेंट ठीक है राइट एंड चौलक्यज वो ग्रेट मारे टाइम पावर ठीक है फिर लास्ट याद रखना अगर सी एस आई आर वायलेट कर दोगे तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा नो सर कंपनी का लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल नहीं होता ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आई होप भाई इसके साथ यही आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने ही रखते हैं ठीक है एंड होप दिस एक्सरसाइज इज यूजफुल आपको फायदा हो रहा होगा एंड ट्रस्ट मी भाई ट्रस्ट मी ठीक है ओनली योर हार्ड वर्क ठीक है ओनली योर नॉलेज ओनली और मतलब पैशन टुवर्ड्स मतलब क्रैकिंग द एग्जाम विल हेल्प ठीक है वो ट्रिक्स वगैरह नहीं काम करती भाई नहीं करती ठीक है वो सब बैक ट्रैक है और आज मैं वीडियो भी बनाऊंगा ठीक है आई एम मेकिंग दैट वीडियो टाइम नहीं मिल रहा है ठीक है बट आज आज मैं बनाता हूँ ठीक है चलिए दिस इज़ मी सो मच साइनिंग ऑफ बाय